दौसा सीट को लेकर राजस्थान बीजेपी का झगड़ा अब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जा पहुंचा है। दरअसल बीजेपी अपनी 23 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि नागौर की सीट गठबंधन में आए हनुमान बेनीवाल के लिए छोड़ी। बची एक सीट दौसा पर कुछ ऐसा पेच फंसा है जो दौसा से जयपुर और अब दिल्ली तक पहुंच गया है। बीजेपी भले ही दावा कर रही हो कि मोदी के नाम पर चुनावी वैतरणी पार कर लेंगे, लेकिन 2014 जैसी लहर नहीं है, इस बात का अंदाजा पार्टी को है। लिहाजा मोदी नाम केवलम पर भरोसा न जताते हुए जातिगत समीकरणों को भी साध रही है। जाटों को साधा हनुमान बेनीवाल को लाकर, गुजरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को लाकर, लेकिन मीणा वोट कैसे साधेंगे इस बात को लेकर पार्टी की परेशानी बढ़ी हुई है। किरोड़ी लाल मीणा को कैसे मनाएं इस बात को लेकर जिस तरह से बीजेपी में पिछले 11 दिनों से द्वंद्व चल रहा है, पार्टी की फजीहत पूरे राज्य में हो रही है। इसे देखते हुए अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब किरोड़ी लाल मीणा को दिल्ली बुलाया है और बाकी नेताओं से बातचीत कर कोशिश कर रहे हैं कि इस झगड़े को घर में सुलझा लिया जाए, नहीं तो किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी की वजह से मीणा वोट बैंक का नुकसान हो सकता है। दौसा सीट पर कांग्रेस 15 दिन पहले ही अपने उम्मीदवार के रूप में विधायक मुरारी लाल मीणा की पत्नी सविता मीणा को उतार चुकी है, लेकिन बीजेपी का झगड़ा इतना ज्यादा है कि उम्मीदवार के नाम पर फैसला अभी तक नहीं हो पा रहा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जसकौर मीणा उम्मीदवार बनने की बधाइयां स्वीकार करने लगी है और उधर किरोड़ी के तीखे तेवर से बीजेपी हलकान हुए जा रही है। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे के बीच की दूरियां किसी से नहीं छिपी है। वसुंधरा राजे से नाराज होकर ही किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी छोड़कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी बनाई थी। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि आज देश को मोदी की आवश्यकता है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिलेगा तभी देश पुनः गुरु के पद पर धारण होगा। भारत को जगत गुरु की जो उपाधि है वो पुनः मिलने वाली है और मैं सोचती हूँ कि दोबारा एक बार जनता मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएगी तो निस्संदेह हमारे संसदीय क्षेत्र का विकास होगा। और यदि मुझे माध्यम बनाया है तो मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कदर करना और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना, मोदी जी के उस कमल के फूल को पुनः खिलाकर दौसा संसदीय क्षेत्र से भेजना। दौसा संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक, गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, इन सब के हित में काम करूंगी। बीजेपी के लिए मुसीबत ये है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा के पसंद का उम्मीदवार नहीं होता है तो फिर वो बीजेपी को दौसा सीट से चुनाव हरवा सकते हैं और दौसा के आसपास की 12 मीणा बाहुल्य सीटों पर भी इसका असर पड़ सकता है। वैसे भी विधानसभा में सत्ता गवा चुकी बीजेपी अब अपने मिशन 2025 में शायद ही कोई रिस्क लेना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।